हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी आईफोन लेना चाहते हो अभी बिल्कुल सस्ते दाम पे, या फिर इधर उधर खोज रहे हैं, ऑनलाइन खोज रहे हैं बिल्कुल सस्ते में कहीं मिल जाए, इंस्टाग्राम पे खोज रहे हैं और एक्स पे खोज रहे हैं बिल्कुल सस्ते में, मतलब आईफोन अगर आप खोज रहे हैं, आपका बजट उतना हाई फाई नहीं है कि आप बिल्कुल न्यू वाला आईफोन अफोर्ड कर सकते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, हम आपको बताएंगे ठीक है। आईफोन बिल्कुल सस्ते में जो मिलता है उसका रियलिटी बताएंगे, क्योंकि हम एक वीडियो अपलोड किए थे इससे पहले, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लोग पहले जाकर चेक कर लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो में आपको क्या बताने जा रहा है ठीक है। तो जाइए पहले वो वाला भी वीडियो देख सकते हैं आप लोग। तो उस वीडियो में हम आपको एक चीज़ दिखाए थे कि हम एक फ़ोन ऑर्डर कर रहे थे OLX से, हम देखे थे जिसका कि हमको आईफोन 11 प्रो का 26,500 रुपया पड़ रहा था ठीक है, उसको हम ऑर्डर किए थे। किस तरह से ऑर्डर किए थे वो सारा चीज़ आपको पहला वाला वीडियो में दिखा दिया, पर उसमें एक चीज़ ये था कि कैश ऑन डिलीवरी मिल रहा था हमको, मतलब COD मिल रहा था। तो हम आप लोग को बताए थे कि भाई क्या करना है आप लोग खुद बताइए, और फिर सारा चीज़ हम कर दिए थे उस वीडियो में, पर उसमें क्या था कि एक चीज़ हम छोड़ दिए थे, वो ये था फुल वीडियो नहीं था क्योंकि मेरा आईफोन आया नहीं था। तो आप लोग को बताते हैं, और आप लोग को ये भी पूछे थे कि अगर दूसरा वीडियो चाहिए इसका दूसरा पार्ट, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आईफोन आया फिर नहीं आया, ये वाला दिया या फिर नहीं दिया, फ्रॉड हुआ मेरे साथ, क्या हुआ, इतना सस्ता में कैसे मिल रहा, यही सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में चलिए बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का देख लीजिए कॉमेंट आ रहा था कि भाई दूसरा वीडियो लाओ, दूसरा वीडियो लाओ, दूसरा वीडियो लाओ, तो लेते आए दूसरा वीडियो। तो भाई हम आपको फाइनल बताते हैं, वो वीडियो पहले देख लीजिए, अभी भी बता देते हैं तो ही आपको समझ में आएगा, फिर से वो सारी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकते उतना लंबा बात। जब हम आईफोन ऑर्डर कर दिए थे उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे 2 दिन बाद उनको फिर से कॉल आया, कहा गया कि भाई आपका आईफोन 11 प्रो रेडी है भेजने के लिए, हम भेज रहे हैं कोरियर से, आपको क्या करना है कि उसमें एक शर्त है। हम पूछे क्या शर्त है भाई बता दो, तो वो बोलने लगा कि भाई उसमें ये शर्त है कि आपको COD तो मिल जाएगा, मतलब कैश ऑन डिलीवरी होगा, पर उसमें इस टाइप का कैश ऑन डिलीवरी होगा कि जब आपको कोरियर मिलेगा, पार्सल मिलेगा, आप उसको ओपन नहीं कर सकते, आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ओपन कर सकते हैं, उसको रिसीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो फिर हम उसको पूछे भाई ये किस तरह का COD हुआ, जब आप COD दे रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी करवा रहे हैं, इतना अगर आप ट्रस्टेड हैं तो हमको दे दीजिए, ऐसे ही हम चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम देंगे ना, तो फिर हमको COD लेके क्या फ़ायदा, ऐसे ही हम पेमेंट कर सकते थे अगर हमको चेक नहीं करना रहता, ओपन नहीं करना रहता सामने में पेमेंट करने से पहले। तो बोला नहीं भाई पेमेंट पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही ओपन करने देंगे। तो भाई हमको लगा कि चलो ये फ्रॉड है ये, तो हम छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम इधर उधर यूट्यूब पे देखे, दोस्त लोग से पूछे कि भाई क्या होगा अगर कर दें क्या, आप मंगवा ले क्या, तो सारे लोग मना किया, तो हम भी छोड़ दिया। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग भी छोड़ दिए, क्योंकि देख लीजिए हम यूट्यूब पे भी बहुत सारा वीडियो देखें, तो उसमें क्या होता है कि कभी तो क्लोन फ़ोन भेज देता है, कभी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ोन आपको सही नहीं मिलेगा, आपका रुपया डूब जाएगा उन सब चीज़ों में। और उसको हम पूछे थे कि कौन सा फ़ोन है, तो बोला रिफर्बिश्ड है। अगर उसका सही में ऐसे ही जेन्युइन प्रोडक्ट था तो उसको चेक करवाने में क्या दिक्कत था। अगर मेरे पास मान लीजिए ये आईफोन है ठीक है, इसको हमको सेल करना आप लोग से, आप लोग बोलिए भाई सामने में आएंगे सेल करेंगे, तो अगर ये मेरे जेन्युइन है मेरे पास तो हमको क्या दिक्कत, हम दिखा सकते थे, पर वो वैसा नहीं किया। वो बोला कि पहले आपको रुपया लग जाएगा, उसके बाद आप खोल के की जो भी कीजिए। हम बोले कि अगर पार्सल में कुछ और रहा, तो वो बोलने लगा वो आपका है, आपको आप एक बार रुपया दे दीजिए, उसके बाद गारंटी ख़त्म। हम बोले तो भी ठीक है भाई, तुम अपना आईफोन रख लो, हमको नहीं चाहिए। तो अब बात आता है कि और एक चीज़ हम आपको बताते हैं, हम फिर OLX में दूसरे लोगों का देख रहे थे, तो ऐसे ऐड देख रहे थे, एक ऐड और आया, उसमें बताया कि भाई मेरा जो कि स्टोर भी है और फिर ऑनलाइन भी होता है, आप स्टोर पे भी आके ले सकते हो। तो हम उसको स्टोर का जो एड्रेस पूछे, तो जहाँ का एड्रेस बताया वहाँ से मेरा घर बस 30-40 किलोमीटर दूर था, तो हम सोचे जाके ही लेंगे। जब हम उसको बोले कि ठीक है हम तुम्हारा स्टोर पे आते हैं, तुम हमको फुल एड्रेस सेंड करो, तो हम स्टोर पे आएंगे, तो वो कहने लगा कि भाई नहीं स्टोर पे अभी बंद है, स्टोर नहीं आ सकते आप। तो भाई हम आपको एक ही बात बोलेंगे, ये सब चीज़ ज़्यादातर फ्रॉड है ठीक है। OLX पे आपको सस्ते सस्ते में जो मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे आपको सस्ते सस्ते में मिल रहा, ये सब चीज़ आधा से ज़्यादा फ्रॉड होता है ठीक है। तो आप लोग ये सब चीज़ में मत पड़िएगा, आप लोग कभी भी जेन्युइन जगह पे जाके फ़ोन खरीदिए, या फिर कोई अगर आपका दोस्त वोस्त बेच रहा है सेकेंड हैंड, जो बंदे को आप अच्छे से जानते हैं, ट्रस्टेड बंदा, उन लोगों से खरीद सकते हैं आप, तो आप लोग को थोड़ा सा रुपया ज़्यादा लगेगा पर फ़ोन मिल जाएगा अच्छा। तो देख लीजिए हम खरीदे, उसके बाद ऐसा नहीं कि हम आईफोन नहीं खरीदे, खरीद लिए, आपको दिखाते हैं। यहाँ देख लीजिए आईफोन 12 128 GB खरीदे, वो कहाँ से खरीदे और फिर कितना पड़ा हमको, कैसा रिव्यू, मतलब कि किस तरह का फ़ोन है, कैसा चल रहा है, इसका अगर आप लोग पूरा रिव्यू चाहते तो
वीडियो में 500 लाइक कंप्लीट कर दिया, हम इसका और एक वीडियो बना के लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम आईफोन कहाँ से खरीदें। तो हम आपको बताते हैं, हम ओएलएक्स पे उन लोगों से नहीं खरीदे, ना ही हम इंस्टाग्राम से किसी से खरीदे, ठीक है। हम कहीं से खरीदे या दुकान से खरीदे हैं, कौन सा दुकान से खरीदें, कितना पड़ा आप लोग तो समझ सकते हैं दुकान से खरीदने का मतलब, तो उसका तो और कुछ बनता ही नहीं है बताने के लिए। तो कितना पड़ा, कैसा फ़ोन है, ये सारा चीज़ अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो में 500 लाइक कंप्लीट कर दिए, हम आपको आगे बता देंगे, इस फ़ोन का पूरा रिव्यू दे देंगे। फ़ोन नहीं दिखा सकते क्योंकि फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डर है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वो फ़ोन के साथ मेरा क्या हुआ, वो फ़ोन हमको नहीं मिला क्योंकि वो हमको कह रहा था भाई पार्सल मिलेगा, पहले पेमेंट करना पड़ेगा 26,500, उसके बाद आपको पार्सल ओपन किया करने दिया जाएगा, तो इसीलिए हम फ़ोन छोड़ दिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग चाहते हैं आईफोन का और एक वीडियो आए जिसमें कि हम आपको टोटल रिव्यू बताएं आईफोन 12 128GB कितना का पड़ा, कैसा चल रहा है, कैसा कैमरा है, किस तरह का BGMI चलता है इसमें, सारा चीज़, तो वीडियो में 500 लाइक कंप्लीट कीजिए, हम अगले वीडियो में आपको